Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear viewers, today we are going to discuss in basic grammar lecture number 20. आज हम basic grammar में lecture number 20 discuss करेंगे, जिसमें हमारा topic होगा pronouns, और pronouns भी relative pronouns. We will be discussing about the relative pronouns. जब हम relative pronouns की बात करते हैं, तो फिर words like which, what, और इसी तरह जो है यू कैन से हुज दैट हु हुम, इस तरह के जो रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए, ताल्लुक को जोड़ने के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. आज हम फिकरात में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा वर्ड जो है, कौन सा प्रोनाउन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दी सेंटेंसेस. Yes, sir. So, question is, choose the correct relative pronouns. First, why are you so sad? I've lost the pen dash I bought this morning. So, given options are which, B, that, C, what, and D, whose. तो जब हम इस रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर नज़र डालते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बेजान चीज़ का ताल्लुक शो किया गया है. आई हैव लॉस्ट द पेन. पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, लिहाजा ये शो करेगी विच को. सो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है विच, सो वी विल सेलेक्ट द रिलेटिव प्रोनाउन विच, विच आई बॉट दिस मॉर्निंग. लेट्स मूव अहेड. सेंटेंस नंबर टू, हैव यू सीन द मैन डैश बॉट अ बुक from the shop just now. तो अब जो है वो मैन का जिक्र आ गया. देखें, पिछले वाले सेंटेंस में पेन का जिक्र था जो कि बेजान था, अब मैन जानदार का जिक्र आ गया, तो जानदार के लिए हम वर्ड हु यूज़ करते हैं. तो देखते हैं कि क्या हमें गिवन ऑप्शन में वर्ड हु दिया हुआ है. पहला ऑप्शन है दैट, दूसरा है वॉट, तीसरा है हु, और चौथा है विच. तो आप देख लीजिए कि ये सी ऑप्शन जो है वो हु के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. सो वी कैन राइट, हैव यू सीन द मैन हु बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ. तो रिलेटिव प्रोनाउन हु इज एप्रोप्रिएट हियर. लेट्स मूव अहेड. द मैन डैश यू वर टॉकिंग टू एट द मीटिंग इज माई कजन. द मैन dash you were talking to at the meeting is my cousin. So given option hai that, what, who or which. So yahan par hame jo pronoun, relative pronoun use karna hai, wo dekhte hain hame. The man that you were talking to, the man that you, that jo hai wo correct option hai. The man that you were talking to at the meeting is my cousin. That, जो के, so हमें that यहाँ पर लगाना है. That is the right relative pronoun. Four sentences. Fareed said, dash he needed the most was a long and quiet holiday. So यहाँ पर हमें जो given option है वो है that, which, what and who. सो करेक्ट ऑप्शन में अगर हम गौर करें तो वो सी बनता है, दैट इज़ व्हाट. फरीद सेड व्हाट ही नीडेड, जो के, व्हाट से मुराद जो के. सो फरीद सेड व्हाट ही नीडेड द मोस्ट वाज लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडेज. सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. एंड लास्ट सेंटेंस, हैव यू गॉट एनीथिंग दैट दिस पुअर वीमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन. अब ये एनीथिंग का जो अगर हम देखें, हमें देख रहे हैं कि एनीथिंग का ताल्लुक किस चीज़ से जुड़ रहा है. हैव यू गॉट एनीथिंग, तो ऑप्शंस में है विच, दैट, हुम, व्हाट. सो राइट ऑप्शन इज विच. हैव यू गॉट एनीथिंग विच दीज, विच दीज. चूँकि विच बेजान चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है और थिंग का, थिंग बेजान चीज़ है, इस लिहाज से हम यहाँ पर विच लगाएंगे. सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन को देखा कि ये बहुत बाज़ुकात ये हमें बहुत ज़्यादा उलझन का भी बाइस होते हैं कि हमें कौन सा किया जाए,
मोटी सी बात यह है, बहुत अहम सी बात यह है कि अगर जानदार चीज़ का जिक्र हो तो हु आना चाहिए, अगर बेजान का चीज़ हो तो विच आना चाहिए, और इसके अलावा दैट व्हाट वगैरह सेंटेंस की कॉमन जो है परसेप्शन को देख के, उसकी मीनिंग को देख कर जो है हम उसका जो है वो तायुन कर सकते हैं। सो आज हमारा लेक्चर 20 के साथ ही बेसिक ग्रामर का जो है ये सिलसिला ये भी ख़त्म हुआ। इसमें हमने आपको मालूम है मुख्तलिफ ग्रामर के लिहाज से मिसलिनियस चीज़ों का जो है ना हमने स्टडी किया, प्रोनाउन का, प्रेपोजिशंस का, बिलखसूस जो है वो जेरेंड का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का, प्रेपोजिशनल फ्रेज का, जेरेंड फ्रेज का, इन्फिनिटिव फ्रेज का, इस किस्म के, इसके साथ साथ जो दूसरी ग्रामर की चीज़ें आती रहीं वो हमने डिस्कस की हैं। सो आई होप व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियोस इन कनेक्टिविटी इन सीरीज़, जब आप इसको एक सीरीज़ के तौर पर देखेंगे, जैसे आप जब जो है बेसिक ग्रामर नंबर 1 से स्टार्ट करें और इसको करते करते 20 तक इसकी सीरीज़ मुकम्मल करें, तो आपको एक कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको ग्रामर की बेसिक सीक्वेंस मिलेगा, उसकी कंसोलिडेशन मिलेगी, इससे आपका जो है कंसेप्ट जो है वो बहुत बेहतर होगा, और ये एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत फ़ायदा देंगे, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी में भी दे विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज वेल। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अब्सार अहमद। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।